हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी DIY एंड एंटी एजिंग क्रीम जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 है और आप 50 की उम्र में 25 की दिखना चाहती है तो आप इस DIY क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा झुर्री हो गई है आपकी एज की वजह से तो आप इस क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये क्रीम आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हो गई है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपकी स्किन में झुर्रियों की प्रॉब्लम है तो आप इस एंटी एजिंग क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की हमें इस क्रीम को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक क्लीन बोल लेना है। उसके बाद आप इसमें 2 चम्मच राइस फ्लावर ऐड कर लीजिए, यानी चावल का आटा। चावल का आटा स्किन को डीपली क्लीन करेगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 4 चम्मच रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको उसका पेस्ट तैयार नहीं करना है, इसको आपको लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये लिक्विड फॉर्म में थोड़ा नहीं है, क्रीमी फॉर्म में आ गया, तो आप इसमें 2 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर लीजिए या फिर आप इसमें रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ वाटर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा और रॉ मिल्क ऐड कर लीजिए। आपको इसे लिक्विड फॉर्म में ही रखना है। उसके बाद आप इसे छन्नी की हेल्प से छान लीजिए। ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, आपके स्किन को वाइट एंड ब्राइटन तो बनाएगी ही, साथ ही साथ एंटी एजिंग का भी काम करेगी। तो देखिए, मैंने इस मिक्सचर को अच्छे से छान लिया है। अब बारी आती है इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालने की, वो है 1 टीस्पून विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल झुर्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी स्किन में झुर्रियों की प्रॉब्लम है, झाइयाँ हो गई हैं, तो विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें 1/2 चम्मच आलमंड ऑयल ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर सकते हैं और इसको भी आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन से दाग धब्बों को दूर करेगा, स्किन को स्पॉटलेस बनाएगा, स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा और साथ ही साथ स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब आप इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार ना हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। मार्केट की जैसे क्रीम होती है वैसी ये क्रीम रेडी हो जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई ना हो सके। आपको इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम में रखनी है। इस क्रीम को आप फ्रिज में कम से कम 7 से 10 दिनों तक इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो अब मेरी DIY स्किन वाइटनिंग एंड एंटी एजिंग क्रीम एकदम रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। रात को सोने से पहले तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और दिन में अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप इसे दिन में भी अप्लाई करके घर में रख सकते हैं। आपको थोड़ी सी क्रीम फिंगर टिप पे लेनी है और उसके बाद अपने पूरे फेस पर इसे टिप टिप करते हुए लगाना है और उसके बाद आपको अपने फेस के अच्छे से इस क्रीम को आपको अपनी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब करना है मसाज करते हुए। आपको ज़्यादा रगड़ रगड़ कर मसाज नहीं करनी है, बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है आपको। ये देखिए, इस तरीके से ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंटी एजिंग का काम करेगी। अगर आपकी स्किन में एज के साथ साथ झुर्रियाँ बढ़ गई है, स्किन बहुत ज़्यादा सैग करने लगी है यानी लटकने लगी है, तो आप इस DIY राइस क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए। मार्केट में भी बहुत सारी राइस क्रीम मिलती हैं, बहुत सारी क्रीम मिलती है एंटी एजिंग, बट अगर आप घर की बनी हुई ट्राई करोगे तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे आपकी स्किन को कोई हार्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बनी हुई है। तो आप इस DIY एंटी एजिंग और स्किन वाइटनिंग क्रीम को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हर्बल और नेचुरल है, आपके स्किन पर कोई हार्म नहीं होगा बल्कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट एंड ब्राइटन और स्पॉटलेस हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।